साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और मैं हूं आज आपका भगवानपुर में। यहां पर लाया हूं मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मकान जो कि रहेगा आपका 3 BHK। आप जैसे कि सामने देख पाएंगे यहां पर जो रोड का साइज़ है वो रहने वाला है आपका पूरा का पूरा 20 फीट का। 20 फीट की पक्की सीसी वाली रोड आपको मिलने वाली है। आप देखेंगे इधर पर आसपास जो है एरिया, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे खासे यहां पर हो रहे हैं। आप देखेंगे इधर पर यहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सेम यहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आया हूं कुछ यहां पर रहेगी कुछ इस तरह से। ये आपका फुली फर्निश्ड मकान है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो ज़रा टाइम ना लेते हुए आप चलते हैं अंदर की तरफ को, आपको दिखाता हूँ मकान के अंदर का क्या कुछ खास आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो मकान है आपका रोड लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 फीट ऊपर है। और यहाँ पर आपका अंडरग्राउंड टैंक है, ये है आपका सोकपिट और सोकपिट वाले एरियाज यहाँ पर हैं। बाकी आप ये देखेंगे अंदर पे तो सारी एमिनिटीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको बाहरी बाहर दे दी गई हैं। और देन उसके बाद फिर आपका आप यहाँ देखोगे इधर पे तो ये एरिया पूरा बनेगा आपका कार पार्किंग का स्पेस। ये रहा आपका अंडरग्राउंड टैंक का स्पेस, वो आपका टुल्लू वाला एरिया। बाकी यहाँ अगर हम बात करते हैं सीढ़ियों की तो सीढ़ी देखिए आप इधर पे, यहाँ पर लगी हुई आपकी SS यानी कि स्टेनलेस स्टील्स। और सीढ़ी आपको देखेंगे रहता है तो पूरी जिगजैग है। बाकी खिड़की आप देखोगे तो फ्रंट में तो देखिए काफ़ी बड़ी खिड़की यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ आप देखोगे इधर पे तो जो चौखट है आपकी यहाँ पर ये डबल पताम में है, सागौन की 8 फीट में यहाँ पर चौखट दी गई है। बाकी डोर का जो हैंडल है यानी कि जो एंट्रेंस है आपने देखेंगे पूरा स्मार्ट लॉक है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ को। अंदर आप देखोगे इधर पे तो ये है कुछ अंदर का स्पेस। अंदर हम बात करते हैं अंदर वाले स्पेस की। आप देखोगे इधर पे तो ये जो एरिया है आपका अप्रॉक्सीमेटली 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 12 फीट तो चौड़ा है। बाकी 4, 4, 8 और 4, 12 और 14 14x12 का ये स्पेस है, यानी कि आपका जो बैल्कनी का स्पेस है या मैं कहूँ तो आपका जो गेस्ट रूम का एरिया है वो 14x12 का रहेगा। ऊपर आपको मिलेगी फॉल सीलिंग जो कि सिंपल है बट काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देखेंगे इधर पे काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर पंखा जो कि सूर्य कंपनी का है। और सामने आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर मॉड्यूलर किचन का स्पेस। ये स्पेस आपका थोड़ा सा डाइनिंग एरिया में रहेगा, यहीं कहूँ तो आपका यहाँ पर सिटिंग एरिया रहेगा। ये एरिया आपको रहेगा आपका कहीं ना कहीं वॉक मिशन का। अगर हम बात करते हैं किचन वाले स्पेस की, आप देखिए इधर पे तो टोटली जो किचन है आपका पूरा मॉड्यूलर है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मिलेगा आपको टाइलिंग वर्क। सामने फ्रंट में देखोगे इधर पे यहाँ आपको मिलने वाली खिड़की बड़ी चौड़ी खिड़की मिलेगी ताकि यहाँ पर जो लाइट की एंट्रेंस है वो इस यहाँ पर अंदर से आ जाए। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाली चिमनी, और चिमनी आपकी रहेगी काफ कंपनी की जो कि टोटली टच में है। साथ में आपको मिलेंगे इधर पे आपका मॉड्यूलर किचन की यहाँ पर कैबिनेट्स। आप देखेंगे इधर पे तो ये टोटली जो कैबिनेट्स हैं आपके इसमें काफ़ी अच्छे खासे आपके कैबिनेट बने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये टोटली आपके हाइड्रोलिक है, यानी कि इसको बंद करने में आवाज़ नहीं आती है, स्लोली बंद होता है, ठीक है। बाकी आप नीचे देखोगे तो ये टोटली जो एरिया है आपका अभी यहाँ पर आपका जो प्लम्बिंग का काम है वो भी पूरा हुआ नहीं है। आप देखिए इधर पे तो जो पानी के पॉइंट वगैरह जो बने हुए हैं अभी ये लगे नहीं हैं, तो यानी कि लगने हैं अभी। बाकी आप यहाँ देखेंगे इधर पे ये देखिए ये कुछ आपकी इस तरह से बनने यहाँ पर कैबिनेट हैं, ठीक है। और ये इनको बंद करते हैं धीरे धीरे, ये देखिए ये बंद भी धीरे धीरे होते हैं खुद में खुद, ठीक है। तो ये जो किचन है आपका किचन टोटली मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर किचन के साथ आपको बता दूँ कि ये जो एरिया है इसका अप्रॉक्सीमेटली 10x8 का ही एरिया है। तो किचन आपकी टोटली पूरी मॉड्यूलर है। और इसके साथ में आपको बता दूं तो एज़ पर भी है वास्तु तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्लस यहाँ पर जो आपको मिलेगा पत्थर टोटली ग्रेनाइट का है। आप देखेंगे इधर पे ये पत्थर पूरा ग्रेनाइट का है, वाइट ग्रेनाइट है, यानी कि वाइट ग्रेनाइट काफ़ी महंगा आता है और ये है काफ़ी अच्छा। प्लस यहाँ देखोगे इधर पे तो कुछ नक्काशी आपको इस तरह से मिलेगी, देखिए कुछ मंदिर टाइप में। तो किचन की जो मंदिर वाली नक्काशी होती है वो भी कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मिलने वाली है। साथ ही यहाँ देखोगे इधर पे तो ये है आपका लॉबी वाला स्पेस, ताकि यहाँ से आपका जो लाइट है आपकी जो एयर है वो अच्छे से वेंटिलेट हो सके या फिर क्रॉस एयर वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर हो जाए आपका इजीली। बाकी ये है आपका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम वाला एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। ये है आपका यहाँ पर फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन। साथ में आपको जो डोर मिलेगा टोटली आपका वुडन में डोर मिलेगा। आप देखिए इधर पे ये जो डोर है आपका टोटली वुडन में है, यानी कि आपका जो डोर है डोर का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। प्लस इसकी जो लेंथ है इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, 8 फीट की इसमें हाइट मिलने वाली है आपको डोर की। और ये प्रॉपर्टी टोटली आपकी 3 BHK टोटली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। सामने आपको मिलेगा फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन, साथ में आपको मिलने वाला है जैसे आपको एलिमेंट मिक्सचर, यहाँ पर मिलेगी आपको यहाँ पर वन पीस शीट जो कि रहेगी आपकी ग्रेवडोर कंपनी की। और साथ में आप देख पाओगे इधर पे जो इसका टाइलिंग वर्क है वो काफ़ी एंटीक है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखिए आप इधर पे काफ़ी यूनिक सा लग रहा है। देखिए ऊपर आपको पूरा का पूरा वाइट पैटर्न में बिल्कुल सिंपल मिलने वाला है, क्योंकि रिमेनिंग आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नकाशा आपको मिलने वाली थोड़ा सा जर्मन टाइप में, बाकी नीचे पूरा प्लेन है।
नीचे फ्लोर आप देखेंगे तो जैसे नॉन स्टिकी या फिर नॉन फ्लेक्सिबल वाली टाइल लगी हुई है। ऊपर आपको सूर्य कंपनी का मिलने वाला है गीजर, यानी कि ये भी आपको ओनर के एंड पे मिलने वाला है। तो यानी कि ये जो गीजर है आपको ये भी मिलेगा ओनर के एंड से, ठीक है। बाकी यहाँ पर मिलने वाला है शावर आपको। आपकी जो बाथरूम की हाइट है वो रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली आपकी 10 से 11 फीट के आसपास। बाकी फॉल सीलिंग हुई है आपकी यहाँ पर लॉबी वाले स्पेस में भी। अगर हम बात करते हैं पहले रूम की, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये बड़ा रूम, आप देखिए इधर पे, तो ये रूम वाला स्पेस है। और ये रूम का जो साइज़ है देखिए 4 4 8 4 12 12 फीट तो चौड़ाई में है। और हम बात करते हैं लंबाई में तो 2 4 6 8 10, तो 10 बाई 12 का ये स्पेस आपको मिलने वाला है। प्लस आपको यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर मिलने वाली है फॉल सीलिंग, काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। और हम बात करते हैं ऊपर की, तो ऊपर भी आपको मिलेगी पीवीसी वाली फॉल सीलिंग, देख रहे हैं। और बात करें खिड़की की, तो देखिए खिड़की यहाँ पर आपको मिलेगी फ्रंट में, खिड़की भी लंबी है चौड़ी है। साथ में आपको मिलने वाला है इसमें अटैच वॉशरूम, तो यानी कि इस ग्राउंड फ्लोर है आपका, यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक बड़ा लॉबी वाला स्पेस, एक मॉड्यूलर किचन, आपको एक बेडरूम, साथ में इसमें मिलेगा अटैच वॉशरूम। और वॉशरूम का जो दरवाजा है वो भी कहने का पूरा वुडन में है, वुडन में मिलने वाला है। प्लस माइका वुड में आपको यहाँ पर डोर मिलेगा जो कि वाटरप्रूफ है। और इसका जो डोर हैंडल है वो भी पूरा का पूरा मॉड्यूलर है, देखिए आप ये देखिए पूरा मॉड्यूलर है। प्लस आपकी जो टाइलिंग वर्क है आप देखिए इधर पे, तो ये भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। प्लस इसमें जो पूरी की पूरी आपकी जो एमिनिटीज़ है, मतलब इसमें जो भी आपका मतलब बाथ फिटिंग हुई है, वो कहने की आपके जो ब्रांड है वो है ग्रैंडोर। जैक्वार हैंडवेयर के बाद आपका आता है पेरीवेयर, और पेरीवेयर के बाद कहने की आता है आपका क्रैपडोर। तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी वैल्यूएबल ब्रांड है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो इसकी जो हाइट है बाथरूम की वो भी कहीं ना कहीं आपका 8-10 फीट रहेगी। और बाकी ये रहा इसका वेंटिलेशन का ऑप्शन, पीछे आप देखेंगे ये चलते हैं पीछे की तरफ को। यहाँ पर जो ये रूम है आपका, ये बेडरूम है आपका 10 बाई 12 का जो बेडरूम है, इसमें आप देखेंगे इधर पे, तो यहाँ पर मिलने वाला है आपको एसी का ऑप्शन। तो कई बार क्या होता है कि रूम्स में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बट यहाँ पर आपको पूरा मिलने वाला है। प्लस ये जो आप देख पा रहे हैं इधर पे जो स्विच बोर्ड है आपका, ये है एलएनटी कंपनी का, आप देखिए इधर पे ये बना हुआ है आपका एलएनटी का। तो एलएनटी का यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करा गया है। नीचे आपको मिलेगा पावर पॉइंट, वो भी कहने की आपका पूरा का पूरा एलएनटी कंपनी का है। तो हर एक जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो कहने की आपके एलएनटी कंपनी के रहने वाले हैं इधर पे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं ये स्पेस की, तो ये देखिए ये है आपका मंदिर वाला स्पेस। तो 5 बाई 4 का ये स्पेस है आपका, ये पूरा मंदिर वाला स्पेस है। अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, ये भी होना है अभी, तो पूरा बन के आपको पूरा तैयार मिलेगा। प्लस ये है आपका यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस, जो यूँ कर लीजिए इसको, ये है आपका कहने का स्टोर वाला ऑप्शन। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर कहने का पूरा सिंपल है, कोई फॉल सीलिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये है आपका स्टोर का ऑप्शन, ठीक है। और हम बात करते हैं यार पीछे वाले स्पेस की, तो देखिए पीछे वाले स्पेस का जो दरवाज़ा है आपको, वो भी कहने का डबल पताम में है, यानी कि आपका डबल साइड में मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सिंगल आपका डोर मिल गया, यहाँ पर आपका जालीदार डोर आएगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो वो भी कहने की आपकी रहेगी 8 फीट की। 8 फीट के ऊपर आप देखोगे देर पे, तो यहाँ मिलेगा आपको छज्जा, ताकि यहाँ पर जो भी आपका लाइट की एंट्रेंस है प्रॉपर रहे। बाकी सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर मिलने वाला है आपको जंगला, यानी कि लोहे का जो फ्रेम है वो पूरा लगा हुआ है इधर पे। बाकी ये है आपका वेंटिलेशन ऑप्शन बाथरूम के लिए, ये है आपका यहाँ पर लाइट की एंट्रेंस आपके रूम के लिए। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है, ताकि आपको वॉशिंग मशीन में कुछ भी धो सको। ये स्पेस आपको मिलेगा नीचे, ताकि यहाँ से आपका जो पानी है वो नीचे जा सके। और ये आपको मिलने वाला है पॉइंट आपका वॉशिंग मशीन के लिए धोने के लिए, ठीक है। तो हमने बात कर ली इस पूरे मकान के इस पूरे एरिया की। प्लस जो आप किचन है आप देखिए, किचन का जो सक्शन है, या यूँ कहूँ तो जो खाना वाना बन के बाहर निकलेगा ना, तो उसका पॉइंट उन्होंने पहले ही बाहर दे दिया है। यहाँ से एक वहाँ से दिया गया है और एक आपको फ्रंट से दिया गया है। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ को। देखिए हमने इस फ्लोर में पूरी बात कर ली है, इस ग्राउंड फ्लोर में मिलने वाले हैं आपको एक मॉड्यूलर किचन, और आपका एक यहाँ पर गेस्ट रूम का एरिया, या यूँ कहूँ तो सिटिंग वाला एरिया। ये है आपका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम, साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाला पीछे बैल्कनी का स्पेस। और ये स्पेस है आपका यहाँ पर स्टोर रूम के तौर पे, वो आपका मंदिर वाला स्पेस है। और ये है आपका यहाँ पर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। तो ये चलते हैं ऊपर की तरफ को, ऊपर देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या क्या कुछ खास आपको मिलेगा आज। प्रॉपर्टी डायरेक्टली बाय द एंड ऑफ ओनर है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और लोकेशन आपको बता दूँ तो लोकेशन रहने वाली है आपकी यहाँ पर भगवानपुर, भगवानपुर में, जहाँ पर आपका गुरुकुल स्कूल है उसके पास में प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पर देखेंगे सामने, तो यहाँ पर बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है आपको यहाँ पर लाइट के एंट्रेंस के लिए और एयर के वेंटिलेशन के लिए। ये भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपका यूपीवीसी में है आपको मिली, तो यूपीवीसी की आपको पूरी एमिनिटीज मिलेगी। प्लस यहाँ पर जो भी आपका ग्रेनाइट है, आप देखिए नीचे फ्लोर जो है आपका पूरा ग्रेनाइट का है। ऐसे इसके यहाँ पर स्टील की रेलिंग लगी हुई है, बड़ी खिड़कियाँ पर दी गई है, 8 फुट की चौखट है, बड़ी चौखट है इसमें, आपको देखिए 8 फुट की बड़ी चौखट है। प्लस आपको जो दरवाज़ा मिलने वाला है इसमें दोनों तरफ से, देखिए फ्रंट में भी इसके माइका वुड चिपका हुआ है और पीछे से भी इसमें माइका वुड लगा हुआ है, तो डबल साइड माइका वुड है। प्लस आपको मिलेगा इसमें स्मार्ट लॉक। और आप यहाँ देखेंगे इधर पे, तो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, ये कुछ इस तरह से बना हुआ, देखिए ये है आपका यहाँ पर लॉबी का स्पेस।
आइए चलते हैं बाहर। ये है आपका लॉबी वाला स्पेस। आप बाहर देखेंगे तो इधर भी आपको मिलेंगी ग्लास की रेलिंग्स, और ये कुछ यहाँ पर एरिया मिलेगा आपको यहाँ कुछ सजाने के लिए। बाकी रोड इसमें रहेगा आपका कहीं ना कहीं आपका पूरा 20 फुट का बड़ा चौड़ा रोड का स्पेस है यहाँ पर, और अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं अंदर की तरफ को, देखिए ये इसका लॉबी वाला स्पेस है, बड़ा स्पेशियस लॉबी वाला स्पेस इसका, 4×8×12×16 और वो आपका 18 फीट की चौड़ाई है लंबाई में, मतलब इसको लंबाई 18 फीट की इसकी, 2×4×6×8 तो 8 फीट की इसकी चौड़ाई है, तो 8×18 इसमें आपका एरिया स्पेस है। बाकी ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिलेगी फॉल सीलिंग, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग है, ठीक है, पीवीसी फॉल सीलिंग है। प्लस दो आपको मिलने वाले हैं इसमें पंखे, पंखों के साथ में देखोगे इधर पे तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं दो रूम्स। अगर आप देखोगे इधर पे तो नीचे वाले फ्लोर में आपको मिलेगा एक बेडरूम, यहाँ आपको मिलने वाले हैं दो बेडरूम्स। सामने आप देखोगे इधर पे जो फॉल सीलिंग है काफ़ी अच्छे से करी गई है, वॉल फॉल सीलिंग है, प्लस इसका जो डोर के जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं आपका 8 फीट का है, 8 फुट का दरवाज़ा है, लेकिन लंबा और काफ़ी अच्छा स्पेस है, हमारा डोर दिया हुआ है। प्लस ये जो रूम है आपका, रूम कहीं ना कहीं आपका 10×12 का रहने वाला है, बड़ी खिड़की दी गई है ताकि जो लाइट की एंट्रेंस है, एयर का वेंटिलेशन है, वो कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से यहाँ पर हो जाए। प्लस आपको मिलने वाला है यहाँ पर पावर पॉइंट, ताकि आपका जो एसी का है और जो भी आपका मतलब स्विचेस है वो यहीं से पूरा हो जाए। ये मिलेगा पावर पॉइंट आपको यहाँ पर टीवी के लिए, ये आपका मेन पावर पॉइंट है। ऊपर आपको मिलेगा एसी का पॉइंट, देखिए हर रूम में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको एसी के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो देखिए ये है आपका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम वाला एरिया, इस फ्लोर में आपको मिलेगा कॉमन वॉशरूम, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, प्रॉपर जो आपकी एमिनिटीज़ है रेफ्रिजरेटर की है। और ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर सूर्य कंपनी का गीज़र, तो हर इस प्रॉपर्टी में हर बाथरूम में आपको गीज़र मिलने वाला है, हर इस प्रॉपर्टी में हर बाथरूम में आपको यहाँ पर मिलने वाला है आपका फुल पैरेस्टर वॉश बेसिन, वन पीस शीट, और ब्रांड रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कंपनी एस्पर्बिया, जैक्वार, हैंडवेयर, पैरीवेयर के बाद फिर आती है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, डेली बेस कंपनी है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो वॉल है आपका, इस पूरे वॉल में कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है यहाँ पर वॉल की फॉल सीलिंग, यहाँ पर भी हुई है, सेम यहाँ पर भी हुई है, तो वॉल फॉल सीलिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर करी गई है। और इसके साथ में आप देखोगे इधर पर जो ये रूम है, 10×12 का रूम है, बड़ा स्पेशियस रूम है, साथ में आप देखोगे इधर पर खिड़की काफ़ी बड़ी है, एयर वेंटिलेशन और लाइट की एंट्रेंस प्रॉपर है भाई साहब। और यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है एसी का ऑप्शन, देख रहे हो आप इधर पे, एसी का ऑप्शन हर रूम में है, ऐसा नहीं कि मतलब पर्टिकुलर एक ही बाथरूम में है, ठीक है। और ये लोग ये तो अभी लॉक रखा है, ठीक है, ये बाथरूम लॉक है आपका, बट ये भी एक बाथरूम वाला स्पेस है। बाकी अगर हम बात करते हैं पीछे की साइड की, तो देखो पीछे आप देखोगे तो ये एरिया आपका पूरा ओपन स्पेशियस है। आप चलते हैं पीछे की तरफ को, ये देखिए ये पीछे का बाथरूम वाला स्पेस है आपका, ठीक है, ये ओपन एरिया है आपका। इस ओपन एरिया में आप देख पाओगे इधर पे तो अच्छी खासी धूप आ रही है, प्लस यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है ऑप्शन वॉशिंग का, तो यहाँ पर वॉशिंग का ऑप्शन मिलने वाला है आपको। प्लस ये स्पेस आप देखोगे इधर पे तो पूरा ओपन स्पेस है, ये देखिए मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, ये पूरा ओपन स्पेस है आपका, ठीक है। और ये मिलने वाली आपको लोहे की रेलिंग, ताकि यहाँ पर जो सेफ्टी है और वो भी काफ़ी ऊँची है, ताकि कोई बच्चा यहाँ से गिरे ना, बच्चे ना गिरे, तो इसलिए काफ़ी ऊँचा दे रखा है, बड़ा दे रखा है। ये देखिए आपको यहाँ पर एसी का आउटलेट दे रखा है यहाँ पर, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ना हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया। देखिए मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देख पाएंगे इधर पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ तक सामने देख पाओगे इधर पे, तो वो रहा आपका आउटसाइड का एरिया। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हर एक चीज़ का ध्यान दिया गया है, हर एक चीज़ को अच्छे से बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस प्रॉपर्टी को ऐसा फैमिली के तौर पर माइंड सेट करके रखा गया है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ को, बाहर दिखाता हूँ आपको क्या आपको मिलने वाला है। चलते हैं ऊपर छत की तरफ को। बाकी आप में से अगर जो भी हमारे नए नए व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, उन्होंने अगर अभी अभी तक हमारे साथ सब्सक्राइब नहीं करा तो पक्का कर लीजिए। आओ चलते हैं ऊपर छत की तरफ को, छत में दिखाता हूँ क्या कुछ खास है। देखिए सेम आपका जो फ्लोर है यहाँ पर, मतलब सीढ़ी जो है वो पूरी की पूरी ग्रेनाइट की है। बाकी ये मिलेगा आपको पूरा का UPVC का, प्लस इसमें आपका छत का एरिया है वो कुछ इस तरह से, देखिए ये छत का स्पेस है। और यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग एरिया, ये यूँ कह लीजिए कुछ सामान रखने का एरिया, या जो भी आपका इन्वर्टर है वो यहाँ पर आएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी ये है इसका यहाँ पर टेरेस एरिया, ये इसका टेरेस एरिया आ गया, ये देखिए देख रहे हैं इधर पे, ये इसका टेरेस एरिया है। और ये इसका फ्रंट का एलिवेशन, यहाँ का कुछ पार्ट यहाँ पर एलिवेशन दिख रहा है इधर पे। और हम बात करते हैं पीछे की, तो देखिए ये पूरा एरिया काफ़ी भरा भरा है भाई। और ये देखिए पीछे से ये इसका एरिया कुछ इस तरह से दिखता है, बाकी अगल बगल से कुछ इस तरह से है, सेम मकान जैसा यहाँ पर है, इसके जस्ट बगल में बनना है। कॉस्ट इसकी जो है वो कहना कि इसकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुकी है,
मकान की जो कॉस्टिंग है आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुकी है। बाकी ये देखिए कुछ स्पेस हम पर आपको ऐसे मिलने वाला है, ये कुछ इसका एलिवेशन का पार्ट है। ठीक है, आइए चलते हैं नीचे की तरफ को। बाकी ये देख तो लिया पूरा मकान हमने अच्छे से। मकान में बता दूँ आपको, डायरेक्टली चल पाता एंड ऑफ ओनर है, डायरेक्टली चल पाता एंड ऑफ ओनर है। बाकी कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो इस प्रॉपर्टी के बारे में आप हमसे पूछ सकते हो, कुछ भी जानना हमसे जान सकते हो। बाकी रेट इसका ऑलरेडी वीडियो में आपको आ चुका है, कि डायमेंशन इसकी वीडियो में आ चुके हैं और इसके रूम्स का साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एमिनिटीज आपको मैंने पूरी बता दी है। डोर का साइज आप देख सकते हो इधर पे, बड़े डोर का साइज़ है यहाँ पर। चलते हैं नीचे की तरफ को। देखिए सीढ़ियों में ना पूरा का पूरा लगा हुआ है ग्रेनाइट और यहाँ लगा हुआ है पूरा SS, ये है SNS स्टील आपका। ठीक है, और बाकी एक्सेंटेसा का देखिए यहाँ पर लगा हुआ है SGMR। झूठ क्या बोलना, सबको दिखाना होता है ना। तो ये देखो यहाँ पर आपका एक्सेंटेसा कंपनी का, यानी कि जो किचन है आपका उसमें पूरा का पूरा जो बोर्ड लगा हुआ है वो बना हुआ है आपका एक्सेंटेसा कंपनी का। ये रहा एक्सेंटेसा HDHMR। ठीक है, ये लगा हुआ है आपका एक्सेंटेसा कंपनी का, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट, यानी कि आपका टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ और आपका फंगल प्रूफ। ठीक है, आइए चलते हैं बाहर की तरफ को। ये इसका फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाता हूँ बाहर की तरफ से। ये हम आ गए हैं बाहर, यानी कि नीचे आप देख पाएंगे तरफ पे, तो इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है आपके पूरे के पूरे, इसमें जो खिड़कियाँ हैं ये पूरी PVC की हैं। PVC के हाथ में देखेंगे तरफ पे तो इसका फ्रंट एलिवेशन का कुछ डिज़ाइन इस प्रकार से बने हुआ है। और अगर हम बात करते हैं रोड साइज़ की, तो देखिए रोड का जो साइज़ हो कहीं ना कहीं आपका 20 फीट का है, 20 फीट की चौड़ी सड़क है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एरिया जो है आपका वो पड़ता है गुरुकुल के पास, यानी कि लामा चौक के पास, गुरुकुल स्कूल से इसका लैंडमार्क है। बाकी अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो आपको इस वीडियो के बारे में या फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो हम संपर्क कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपका नंबर, तो यही कुछ है इस प्रॉपर्टी के बारे में। बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाली।